नमस्कार, मैं काजल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। आज हम आपको ले चलते हैं सखौरा, जो कि सखौरा कैनाल पंप से सटकर एक सीवर लाइन गई हुई है, जो कि बीते मंगलवार 21 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसका 19 से 20 फीट का सीमेंटेड पाइप टूट गया और उसके साथ जो लगी हुई सीमेंटेड दीवार थी वो भी टूट गई है। अब वो सीवर का पानी डायरेक्टली मिट्टी पर गिर रहा है। मिट्टी पर गिरने की वजह से वो मिट्टी को बहुत तेज़ी से काट रहा है और वो जो सीवर लाइन था वो सीवर के पानी को गंगा जैसे मिलाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है और उसके गिरने की वजह से मिट्टी को कितनी तेज़ी से काट रहा है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और मिट्टी कटती रही तो यहाँ पे भूस्खलन का खतरा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जान मान को भी खतरा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घटना 21 अगस्त की है और आज 29 अगस्त है और अभी तक इस पाइपलाइन को बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और अगर इसे जल्द ही नहीं इसको सुधारा गया तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके जान मान को खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो नगर पालिका को जल्द से जल्द इसे सुधार के यहाँ का पाइपलाइन सही कराना चाहिए और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पाइपलाइन सही होगा। तो हमें उम्मीद है कि नगर पालिका जल्द से जल्द इस सीवर के पाइपलाइन को सही कराएगी और यहाँ के लोगों को खतरे से बचाएगी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सिविल लाइन रोड पे जज कॉलोनी के जस्ट सामने है, तो हमें उम्मीद है कि ये पाइपलाइन जल्द से जल्द सही हो